सो दिस इज 38 ओवर्स इन राजमुंद्री। अगर तुम्हारे पास राजमुंद्री में 38 ओवर हो तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ मैंने क्या करा राजमुंद्री। सो इंदौर से भोपाल की सबसे पहली चार्टर्ड बस बुक करो और सब बाद में विंडो सीट पहले, क्योंकि व्यूज इंपॉर्टेंट है बाबू भैया। भोपाल रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और 1 घंटा वेट चलेगा क्योंकि हमारी ट्रेन 1 घंटे बाद की और हम जल्दी आ गए हैं, तो आगे की लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे हम। भोपाल से राजमुंद्री की हमेशा वही ट्रेन है ना जो ओवरनाइट चले, देखो दिन के सफर में तुम 19 घंटे बहुत बोर हो जाओ। अभी भी हम लोग राजमुंद्री आ गए हैं, हम आपको 2 दिन राजमुंद्री के सीन्स दिखेंगे। अच्छा लो, होटल हमेशा इंस्पेक्टर वाइज शोरूम के पास लेना, बिकॉज इसके आसपास बहुत घूमने फिरने की जगह है। फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं और इस समय 12 बज चुका है और हमने होटल रीच कर गए हैं पूरी तरीके से। होटल का नाम है आदित्य पैलेस, काफ़ी बढ़िया होटल है और रेलवे स्टेशन के नियर आउट है ताकि जाने के टाइम हमें कोई ज़्यादा झंझट ना मिले और ऑटो रिक्शा मिल जाए कहीं घूमने फिरने के लिए। तो मैं आपको बस अब आगे का वो बताता हूँ कि रूम कैसा दिखता है। सो देखो, क्या है मतलब 2 बजे के बाद यहाँ लॉकडाउन हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हम घूम फिर पाएंगे। और यहाँ क्या कारण है हम आए हैं उसका मैं कभी और व्लॉग बनाऊंगा कि हम यहाँ क्यों आए थे, क्या है। तो अपन रेडी हो चुके हैं, चलते हैं बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने। तो चलो चल के बाहर आ चुके हैं और थोड़ा देख के आते हैं खाने पीने का खेल। यहाँ 2 बजे के बाद पूरा लॉकडाउन है तो घूम फिर तो पाएंगे नहीं, बट जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे करेंगे। बाकी आगे तुम नज़ारे देखो, हम देखते काका जाते हैं। स्ट्रेट जाना है, राइट जाना है या इधर जाना है? चलो राइट ही चलते हैं यार, समझ तो आ नहीं रहा है बट चलो राइट चलते हैं। चलने के बाद हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल है तो अब एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो नहीं पता, बट बढ़िया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। सो देखते हैं अंदर एंट्री मिलती है। वेलकम टू द इस्कॉन टेम्पल। मैं यहाँ टेम्पल वैसे तो हर स्टेट में देख चुका हूँ, बट जब भी मैं यह जगह जाता हूँ मुझे जगह और भी पहले से बहुत खूबसूरत दिखती है। हमारे इस्कॉन मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अब हम बाहर निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं पुष्कर घाट। ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं बट अगर कुछ मिलता है गाड़ी वाड़ी तो अपन उससे चले आएंगे। ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, मतलब आपको रोड की तस्वीरें में क्या दिखा, बट अभी आपको मैं घाट के नज़ारे दिखाता हूँ। तो चलो फाइनली जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, जिस चीज़ को मुझे देखना था, हाँ तुमको दिखाऊँ क्या मतलब क्या सीन है और क्या कहानी है। सो देखोगे देखो इफ आई कैन टेल यू वन थिंग, बी योर सेल्फ, बी कंफर्टेबल, विन योर ओन स्किन। चाहे कितने ही पुराने शहर में क्यों ना हो, चाहे नदी के किनारे क्यों ना हो, वो लड़कियों वाला एटीट्यूड नहीं, वो लड़के वाला एटी होना बहुत जरूरी है। ₹20 ले गया आपको कहीं से भी इधर राजमुंद्री में से और आप यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्ट पुष्कर घाट। तो देखोगे ये है पुष्कर घाट बेसिकली। तो और यहाँ पर एक टेम्पल भी है, ये देखो
शिवजी की मूर्ति। तो अब अपन अंदर चलते हैं पुष्कर का। टेंशन घर पे छोड़ो और फोन का साथ ले लो। वन ऑफ माई फ्रेंड सेड दैट दिस इज मी एंड दिस इज माई ब्लॉग 30s ओवर्स इन राज मुंद्री। कहने को तो ये सिर्फ एक ब्लॉग है, बहुत छोटा सा। शायद मैं इसमें कुछ चीजें कवर नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं इस जगह को और भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। हम अब अपने रूम पे आ चुके हैं, सब कुछ कार्यक्रम निपटा के घूम घाम के। और मतलब आप अगर आदित्य पैलेस में रुकते हो तो यहाँ से नियर आउट बहुत सारी चीज़ें, इस्कॉन टेम्पल, गोदावरी, रवि नदी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस जगह से एटलीस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 2-3 किलोमीटर में, मतलब 10-15 रुपये के आप पब्लिक व्हीकल से, ऑटो वोटो है, वहाँ से घूम सकते हो। प्लेस बहुत अच्छी है, बट अभी लॉकडाउन है तो मैं इतना घूम नहीं पाया हूँ। मतलब बोल सकते हैं कि हम इतना घूम ही नहीं पाए हैं जितना हम सोच रहे हैं। मैंने सोचा था कि ये एक्सप्लोर करूँगा, ऐसा व्लॉग बनाऊँगा, सो इट्स नॉट फुल कम्प्लीटेड व्लॉग। और मैं क्या काम से आया था वो काम मैं आपको कभी और एक व्लॉग में एक्सप्लेन कर दूँगा। और रही बात मेरा कितना खर्चा हुआ, सो वो मैं पूरा खर्चा आपको एक अलग व्लॉग में बता दूँगा नेक्स्ट वाले व्लॉग में, कि मेरा पूरा कितना क्या खर्चा था इस पूरी ट्रिप का। एंड अब हमको ये कमरा छोड़ना है बिकॉज मेरी 1 बजे की ट्रेन है वापस कहीं और जाने के लिए, सो अपन वहाँ चलते हैं। सो लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बस बाय।